फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो ऑमलेट। इसे हम ब्रेकफास्ट में खाइए या राइस या पराठे के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी तेल, और तेल को हम गर्म होते इसमें हम पोटैटो डाल देंगे। इसको हम छील के इसका छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, तो इसे हम तेल में डाल के एक बार मिला के हल्का सा जो पानी है वो हम सौटे कर लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से एक बार मिला देंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और मसाला के साथ हम अच्छे से पोटैटो को मिला देंगे। और मैं इसे अच्छे से मिला दिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का ऑनियन। इसको हमने बारीक काट लिया है और अच्छे से मिला दे इसे। और पोटैटो को हमें पूरी तरीके से पकने तक हमें इसे चलाना है। तो ये पोटैटो हमारा पूरी तरीके से पक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं दो मीडियम साइज का पोटैटो ले लिया है, तो दो मीडियम साइज की पोटैटो के साथ आप तीन अंडे मिला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगली प्रोसेस में। यहाँ पे मैं एक बोल ले लिया है और इसमें हम तीन अंडे डाल देंगे। दो पोटैटो के साथ यहाँ पे मैं तीन अंडे मिला रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ग्रीन चिली, नमक। पहले भी हमने नमक डाला, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसे मिला दिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पोटैटो। और पोटैटो डाल के इसे हम और एक बार अच्छे से अंडे के साथ मिला देंगे। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिला दिया हूँ, तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और एक बार दो चम्मच तलवन तेल डाल दूंगी, और तेल गर्म होते इसमें हम ये अंडे और पोटैटो की जो बटर है उसको डाल दूंगी। और इसे डाल के हमें दो मिनट लो फ्लेम में पकाऊंगी। तो ये देखिए, ये हल्का सा नीचे से सेक चुका है और ये पोटैटो और अंडे के साथ थोड़ा खुल के भी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, ये नीचे से पूरी तरीके से सेक चुका है और ये पूरी तरीके से नीचे से पक भी गया है। तो दो मिनट के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये हमारा पोटैटो ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। दो मीडियम साइज की पोटैटो की आप दो लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा सर्व करना है तो आप इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के बना सकते हैं। इस पोटैटो ऑमलेट को आप राइस के साथ या पराठा के साथ खा सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की इस रेसिपी अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।